यीशु मसीह की जुबान अक्दस से सादर हुआ वो कुछ यूं है। यूहन्ना की अंजील उसका उन्नीस बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत हमें खुदा में यूं मरकूम है, यीशु ने अपनी मां और शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा, अरे औरत देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मेरे अजीजों, जब हम तीसरे कलमे पर गौर करते हैं, इसके भेद को, इसके मकाशवा को जानने की कोशिश करते हैं, तो ये कलमा जो खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर बयान किया, इसके अंदर खुदावन यीशु मसीह खुद को सलीब के ऊपर जख्मों से चूर है, जान कनी की हालत में है, लेकिन उस वक्त भी कोड़ों की मार उन पे पड़ चुकी है, वो कमजोरी की हालत में है, लेकिन इस वक्त भी खुदावन यीशु और मसीह को मेरी और आपकी फिक्र है। मेरे अजीजों, कुछ लोग जो रूहानियत से तलक नहीं रखते, जिस्मानी सोच रखते हैं, वो कहते हैं कि यीशु अल मसीह कि जब सलीब पर थे तो वो होश में नहीं थे। मेरे भाई बूटा ने भी अभी इस चीज को बयान किया कि वो होश में नहीं थे, वो कोड़ों की मार की वजह से, जुल्म और सितम की वजह से वो होश में नहीं थे। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह के जब हम अल्फाज पर गौर करते हैं, उनके इस मकाशवा पर गौर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह मुकम्मल होश हवास में ये कलमा बयान कर रहे हैं। यीशु मसीह को हर हाल में अपनों की फिक्र है। मेरे अजीजों, इसलिए वो सलीब पर मुकद्दसा मरियम और यूहन्ना को, जो यीशु मसीह का शागिर्द था, देखकर उसे मुखातब होते हैं कि ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। और फिर यूहन्ना से कहते हैं कि ये देख तेरी मां ये है। मेरे जीवन में यहां पर एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये सिखाना चाहता हूं कि जिम्मेदारी उसी आदमी को या उसी पर्सन को दी जाती है जिस पर एतमाद होता है, या जिसका आप समझते हैं कि इस काम को पाया तकबीर तक पहुंचा सकता है। इसलिए कि यीशु मसीह के जहां भी बयान किया गया है, ये है कि यीशु मसीह ने यूहन्ना को, जिससे वो मोहब्बत करता था, हम तो खुदा से, वो खुदा तो हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन क्या हम भी उससे मोहब्बत करते हैं? खुदा आपसे यह सवाल करता है कि डू यू लव मी, क्या तू भी मुझसे मोहब्बत करता है? मेरे अजीजो, यूहन्ना रसूल जो खुदा यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द था और यीशु मसीह के करीब रहता था, आज भी मशरूबियत के वक्त वो अपने खुदा से जुदा नहीं हुआ, दूर नहीं हुआ, रुपोश नहीं हुआ, और वो पूरी वफादारी के साथ स्लीप के इस मंजर को देख रहा है। यूहन्ना रसूल को हम मोहब्बत का रसूल या अपोस्टल ऑफ लव भी कहते हैं, मेरे अजीजों, क्योंकि उसकी मोहब्बत खुदा यीशु मसीह के साथ ये थी, क्योंकि वो यीशु मसीह का रिश्तेदार में कजन भी था। मेरे यीशु मसीह एक कामिल मोहब्बत है, और कामिल मोहब्बत खौफ को खत्म कर देती है। मेरे अजीजों, जब वो सलीब के नीचे थे, औरतें और यूहन्ना, तो उनके अंदर खौफ नहीं था, बाकी शागिर्द जो भाग गए थे। मेरे अजीजों, इसी चीज से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह की जो कामिल मोहब्बत थी, वो उन्हें उस जगह पर खड़ा कर रही है। यीशु मसीह की जो मोहब्बत है, वो वहां पर मजबूर कर रही है कि वहां पर वो खड़े हों। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की कामिल मोहब्बत उसे सलीब पर चढ़ने पर मजबूर करती है। यीशु मसीह की कामिल मोहब्बत उसे कोड़े खाने पर मजबूर करती है। यीशु मसीह की कामिल मोहब्बत उसे मुंह पे थकवाने, बरहाना होने और मार खाने पर मजबूर करती है।
मेरे अजीजों, अभी हम इस कलमा के जो मौजू है उस पर आएंगे। मेरे अजीजों, यहाँ पर पहला लफ्ज जो बयान किया गया है, आए औरत। मेरे अजीजों, अक्सर औकात लोग इस चीज पर एतराज करते हैं कि यीशु मसीह ने आए औरत ही क्यों कहा। हालांकि माँ को तो आए औरत नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे अजीज, जब हम यूनानी मतन में इस चीज को देखते हैं, जब हम यूनानी मतन में इस चीज का मुताला करते हैं, तो मेरे अजीजो, यूनानी में इसके लिए लफ्ज गुने इस्तेमाल किया गया है, यानी बच्चों वाली औरत या मैडम या मोहतरमा के अल्फाज में आता है। मेरे अजीजो, अंजील जलील में हम यीशु मसीह ने जहां भी मुकद्दसा मरियम से मुखातिब हुए, उनके लिए आए औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मेरे अजीजो, मैं आपको कुछ मिसालें इसकी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे उर्दू तर्जमे में प्रॉब्लम है या हमारे जुबान दानी का ये मसला है, तो इसलिए कुछ लोग इस चीज को नहीं समझते और वो कहते हैं कि ऐ औरत बेअदबी के लहजे में आता है और उसमें बेअदबी की झलक नजर आती है। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह के दौर में जब हम इस चीज पर गौर करते हैं, तो एक हीरो है जिनका नाम ओडिसियास है, वो अपनी चहेती बीवी लिपी ओपी को आए औरत कहकर मुखातिब करते थे, और ये लफ्ज रोमी बादशाह कैसर अगस्तस मसली मलका ये लोग पत्रों को भी आए औरत के नाम से बुलाते थे। और इस चीज से हम इसे सीखते हैं कि औरत बेअदबी का नहीं है। अगर बादशाह अपनी बेगम के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें बेअदबी की झलक नहीं है। मेरे जी, ये हमारा उर्दू तर्जमे का मसला है, क्योंकि बाइबल जो है वो बहुत पहले लिखी गई, लेकिन उर्दू जबान जो 17वीं सदी की इजाद है और 18वीं और 19वीं सदी में इसको एक जुबान का दर्जा दिया गया, तो बाइबल में कोई ऐसी बात नहीं है जो गलत लिखी हो। बाइबल बहुत ध्यान के साथ, बहुत खुदा के पाक रूह के जरिए से लिखी गई है। मेरे से जब हम बाइबल मुकद्दस में इस चीज को देखते हैं, तो मत्ती के जील उसका 15 बाब और उसकी 18 आयत में यीशु मसीह ने कनानी औरत के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। इसी तरह जब हम लूका के इंजील उसके 13 बाब और उसकी 12 आयत में देखते हैं, तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कुबड़ी औरत के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, ऐ औरत तू अपनी बीमारी से बच गई। और यूहन्ना के इंजील उसका 4 बाब और उसकी 21 आयत पर जब हम गौर करते हैं, तो सामरी औरत के लिए भी ऐ औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद यूहन्ना के इंजील उसका 8 बाब और उसकी 10 आयत जानी औरत के लिए यीशु मसीह ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, ऐ औरत ये लोग कहां गए। मेरे जीजो, लोग उसको जानी कह रहे हैं, लोग उसको गुनहगार कह रहे हैं, लोग उसको बदकार कह रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत का आप अंदाजा कीजिए। यीशु मसीह उसको मोहतरमा कह रहे हैं, यीशु मसीह उसको मैडम कह रहे हैं, यीशु मसीह उसको बच्चों वाली औरत कह रहे हैं। मेरे अजीजो, यीशु मसीह की मोहब्बत और इंसानी मोहब्बत में यही फर्क है, उसकी मोहब्बत लामहदूद मोहब्बत है, जबकि इंसान की मोहब्बत एक लिमिटेड मोहब्बत है जो कुछ वक्त के लिए होती है। मेरे अजीजो, हमारे लिए गुड फ्राइडे का ये मैसेज है, हमारे लिए यीशु मसीह का ये मैसेज है कि माँ को यीशु मसीह ने, अब माँ को चाहिए आज के दिन तो यतीम और बेसहारा बच्चों को अपने गले लगाएं, और इस तरह बेटों को भी चाहिए तो बेसहारा माओं को जो दुनिया में है उनको गले लगाएं। तीसरे कलमे का मकसद यही है कि नए रिश्तों का क्याम। मेरे अजीजों, नए रिश्ते बनाने का नाम ही तीसरा कलमा है, और इस कलमे में हम ये सीखते हैं, क्योंकि रूहानी रिश्ते जो यीशु मसीह के नज़दीक जिस्मानी रिश्तों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिस्मानी रिश्ते हमारे माँ और बाप के जो रिश्ते हैं वो
जिस्मानी तौर पर हैं वो खत्म हो जाए कुछ वक्त के लिए हैं, लेकिन रूहानी रिश्ते जो है वो हमेशा कायम रहेंगे। तो मेरे अजीजों, जरूरत इस अमर की है कि हम यस्सुल मसीह की उस मोहब्बत को याद करें, यस्सुल मसीह की उस मोहब्बत को देखें कि यस्सुल मसीह को सलीब पर भी अपने खानदान की, हमारी और आपकी फिक्र है। मेरे अजीजों, यस्सुल मसीह इसीलिए फरमाते हैं, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, और फिर शिगिर्द से कहते हैं कि देख तेरी माँ ये है। मेरे अजीजों, गॉड इज लव, जीसस इज लव, गॉड इज ग्रेट एंड गॉड इज लव। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।